गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ट्रिपल आर की फिल्म की शूटिंग शुरू होने का वेट सब बेसब्री से कर रहे हैं और फिल्म की शूटिंग शुरू भी होगी और फिल्म रिलीज भी होगी। सो गाइस, इसी के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो देखते रहिए। SS राजमौली को आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट से फिल्म की शूटिंग शुरू करने की परमिशन मिल गई है, पर अब कुछ समय के बाद में SS राजमौली जूनियर NTR और रामचरण स्टारर फिल्म ट्रिपल आर की शूटिंग शुरू करेंगे। सबको पता है कि SS राजमौली को कोरोना पॉजिटिव होने का पता चला था, परिवार समेत कुछ थोड़े सिम्टम्स उनमें पाए गए थे। 2 हफ्तों के क्वारंटाइन के बाद वो और उनका परिवार अब कोरोना नेगेटिव पाया गया है। एक इंटरव्यू के दौरान राजमौली ने बताया कि वो फिल्म की शूटिंग को शुरू करने के लिए डॉक्टर की परमिशन का वेट कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वह फिल्म की शूटिंग को 2 या 3 हफ्तों में शुरू करेंगे। जैसा कि आपको पता है, फिल्म से रामचरण के बर्थडे पर एक स्पेशल वीडियो रिलीज किया गया था। राजमौली ने ऐसा ही एक और वीडियो NTR के बर्थडे यानी मई में रिलीज करने का प्लान किया था, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन लगने के बाद अधूरी रह गई। अब राजमौली ने कहा है कि जूनियर NTR के लिए वीडियो बनाने के लिए कम से कम 1 हफ्ते का समय लगेगा। और रिपोर्ट से पता चला है कि राजमौली फिल्म ट्रिपल आर का दूसरा टीजर, जिसमें जूनियर NTR दिखेंगे, उसको नेक्स्ट ईयर यानी न्यू ईयर्स ईव पर रिलीज करने की सोच रहे हैं। आगे जब राजमौली से फिल्म के रिलीज डेट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी इस फिल्म की रिलीज डेट के बारे में कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि फिल्म शूटिंग पूरी होने के बाद 7 से 8 महीने के बाद ही फिल्म रिलीज हो सकेगी, यानी ये फिल्म 2021 की गर्मियों के अंत तक रिलीज हो पाएगी। सो गाइस, फिल्म की शूटिंग कब तक शुरू हो पाती है इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे आप इस फिल्म के लिए कितना एक्साइटेड है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। So guys, if you like this video, please like and share. Don't forget to hit the bell icon for notifications and for more such videos, subscribe to Know About All. Thank you.